भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे सितारों को आपने भोजपुरी फिल्म में बड़े ठाट बाट में नवाबों की तरह रहते हुए देखा होगा। कोई किसी को गुंडे के किरदार में, लफंगों के किरदार में जरूर देखा होगा, एक्शन अवतार में नजर आए होंगे कई कलाकार, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे नहीं है। भोजपुरी के कलाकार हैं, बिहार की माटी में पले बढ़े हैं और वही जैसी लाइफ स्टाइल है, लेकिन लगातार फिल्म करने से कौन बड़ा है सबसे आगे और कौन रियल लाइफ में भी जीता है ठाट बाट नवाबों की तरह, अगर आप ये जानना चाहेंगे तो हम आपको थोड़े से हिंट दे देते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा समय बीत चुका है निरहुआ को। निरहुआ एक फिल्म की सबसे ज्यादा सारे बाकी के हीरो से ज्यादा फीस लेते हैं। उनकी फिल्में अभी तक कम आती थी, लेकिन अब उन्होंने हर साल फिल्मों करने की संख्या भी बढ़ा ली है। हर बार उनके गाने ऐसे रिलीज होते हैं, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिससे वो काफी सारे पैसे कमाते हैं। मुंबई में उनका अपना बहुत सारे फ्लैट हैं, उनके प्रवेश लाल यादव भाई के भी फ्लैट हैं, यहाँ तक कि गांव में भी उनका एक आलीशान घर है जो सिर्फ अपनी मम्मी के लिए निरहुआ ने बनाया है। निरहुआ रियल लाइफ में भी ठाट बाट में जीते हैं। हालांकि आप लोग खेसारी लाल के गले में बहुत सारी सोने की चेन देखते होंगे, लाइफस्टाइल उनका भी अच्छा है और लाइफस्टाइल पवन का भी अच्छा है, लेकिन ब्रांडेड कपड़ों के साथ हमेशा ब्रांडेड चीजें लोगों को गिफ्ट देना, पार्टी फंक्शन करना, ये सब रुतबे जो हैं वो सिर्फ निरहुआ के पास ही हैं। और निरहुआ के भाई प्रवेश लाल यादव भी पूरे ठाट बाट के साथ रहते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, अपना वीकेंड एंजॉय करने जाते हैं, जबकि पवन और खेसारी में ये चीजें कम देखी जाती हैं। जब भी खेसारी को या फिर पवन को समय मिलता है फिल्मों से वीकेंड एंजॉय करने का, तो वो मुंबई अपने घर में रहना पसंद करते हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन निरहुआ आम्रपाली के साथ कई बार विदेशों में अपना वीकेंड एंजॉय करते नजर आए हैं, घूमने जाते हैं कभी इधर कभी उधर, बहुत सारे पार्टी फंक्शंस में देखे जाते हैं, बॉलीवुड के भी कुछ इवेंट्स ये लोग ज्वाइन करते हैं। और आम्रपाली के साथ इनके ग्लैमर की चर्चाएं तो हमेशा रही ही हैं, तो अगर रियल लाइफ में भी ठाट बाट की तरह जीने की बात की जाए तो वो निरहुआ के ही हैं जनाब।